नमस्कार एवरीवन। देखिए मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी लेवल है, थोड़ा सा अच्छा लेवल है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइजेस और प्रीवियस एक्सरसाइजेस 7.4 तक तो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने उनसे थोड़ा सा लेवल ऊपर है। सो क्वेश्चन को ढंग से समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो भी समझेंगे। तो एग्जांपल नंबर 20 की बात करते हैं। बोल रहे हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ थ्री वोवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर इनवोल्यूट। पहले मैं इसको थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ कि करना कैसे है। इनवोल्यूट है, देखो इस इनवोल्यूट से हमें ये बोला गया है कि आपके पास थ्री तो वोवल होने चाहिए और दो कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो आपके पास कितने वर्ड्स का एक वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा तो कितने वर्ड बनेंगे, हमारे पास एक फाइव वर्ड लेटर का अल्फाबेट्स का एक वर्ड बन जाएगा। तीन वोवल होंगे, दो कॉन्सोनेंट होंगे, लेकिन तीन वोवल और दो कॉन्सोनेंट हमें सिलेक्ट करने हैं किसमें से। कितने वोवल हमारे पास, एक ए ई आई ओ यू होते हैं ना, तो तीन और ये चार, हमारे पास टोटल चार वोवल हैं। तो चार वोवल्स में से हमें तीन वोवल सिलेक्ट करने हैं और बचे कॉन्सोनेंट एन वी एल और टी, तो चार कॉन्सोनेंट हो गए। अब समझो चार वोवल्स में से तीन सिलेक्ट करने हैं, चार कॉन्सोनेंट में से दो सिलेक्ट करने हैं, हमारे पास बन गया पांच लेटर का एक वर्ड। लेकिन अब पांच लेटर का जो वर्ड बना, सपोज करो मेरे पास एक वर्ड बन गया आई ओ यू एन एल, तीन वोवल दो कॉन्सोनेंट। अब इन पांच वर्ड को भी तो बाद में अरेंज कर सकते हैं। सपोज ओ बाद पहले आ गया, आई बाद में आ गया, यू एन एल, मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास परम्यूटेशन लग रहा है, दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर रख, दोनों चीज़ों को यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ पा रहे हो, रिपीट कर रहा हूँ। इन्वोल्यूट है, उसमें चार वोवल्स हैं, चार कॉन्सोनेंट है। बोला गया कि तीन वोवल्स होने चाहिए, दो कॉन्सोनेंट होने चाहिए, हमारे पास एक वर्ड बनेगा पाँच लेटर का। फिर बाद में उस पाँच लेटर को हम अरेंज भी तो कर सकते हैं आपस में। सपोज ये तो एक कॉम्बिनेशन हुआ, ये तो एक सिलेक्शन हो गया, अब इसको मैंने परम्यूटेशन लगा दिया, मीन्स इसकी अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है। आई पहले आ गया, ओ बाद में, ओ पहले आ गया आई बाद में आ गया। सपोज यू पहले आ गया, ओ आई एन एल, तो एक ही सिलेक्शन के हमारे पास बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन को करना कैसे है, सिलेक्शन भी और कॉम्बिनेशन भी, समझ में आ गई बात इतनी। सो क्वेश्चन देखा, तो इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, आपके पास जब भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे तो आपके पास हमेशा ये लिखा होगा विद और विदाउट मीनिंग, क्योंकि विद मीन विदाउट मीनिंग को हम, आप इंग्लिश से को थोड़ा पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। अगर सोचो विद मीनिंग वाले आ जाएं तो आपको क्या पता। सपोज करो मैं इसी में कहूँ कि विद मीनिंग वाले बता दो तो आप नहीं बता पाओगे। सो आप क्या लिखेंगे, तो सिलेक्ट करने हैं कितने वोवल्स, तीन वोवल्स, कितने में से, चार वोवल्स में से। सो देयरफॉर सिलेक्ट थ्री वोवल्स फ्रॉम फोर वोवल्स, एज सिंपल एज दैट। तो फोर वोवल्स कौन कौन से हैं मेरे पास, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया और ई हो गया, तो मतलब चार वोवल्स में से हमने सिलेक्ट करने हैं तीन वोवल्स, ठीक है। और सिलेक्ट टू कॉन्सोनेंट्स, सिलेक्ट टू कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम, कितने कॉन्सोनेंट है, फोर, तो फोर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कौन कौन से मेरे पास, एन है, एल है, सॉरी एन है, वी भी तो है, वी और हमारे पास टी है, ठीक है। सो हमारे पास कितने, फोर में से टू सिलेक्ट करने हैं, तो फोर सी टू, ठीक है हमने सिलेक्ट कर लिए। अब हमें एंड की बात करनी है, और की बात करनी है, एंड लगे क्योंकि हमें दोनों वर्ड चाहिए तभी तो बनेगा, तो मल्टी में क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए मेरे पास टू मेक ए फाइव वर्ड अल्फाबेट, फाइव अल्फाबेट वर्ड, फोर सी थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर सी टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और फैक्टोरियल यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर में से थ्री गया तो वन का फैक्टोरियल, तो इसको हम सोल्व करेंगे क्या, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री फैक्टोरियल, और थ्री फैक्टोरियल तो हमारे पास था ही एज इट इज, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई फोर सी टू, तो इसको कैसे लिखेंगे, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री और टू मल्टीप्लाई बाई वन। देखो ये चीज़ छोड़ दो आप, अभी आपके लिए नहीं, छोड़ो आप इस चीज़ को। तो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई फोर में से टू गया तो टू फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस आर होता है ना फॉर्मूला, एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो
इसको कुछ कट कट रहे हैं तो काट काट देते हैं। तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 × 3 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, हमारे पास कट रहा है जो वो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो क्या बचा मेरे पास, 4 बचा 4 × 3, और नीचे 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, तो 2 1 2 2 2 तो कितना हो गया, 4 × 2 = 8 + 24। तो हमारे पास टोटल हो गए 24 को सिलेक्शन, हम 24 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं कि 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स से हमारे पास एक वर्ड बन जाए। लेकिन वर्ड बनने के बाद हमें अरेंज भी तो कर सकते हैं, यस और नो? सो इट मीन्स वॉट, नाउ वी कैन अरेंज क्या, हम इनको, वी कैन अरेंज दीज वर्ड्स इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो एक वर्ड को हम 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं ना। सो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर कितने हो गए हमारे पास, 24 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2880 वेज, मतलब 2880 वर्ड्स बनेंगे आपके पास। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा था, इधर देखो, मैंने कहा कि 4C2 है। अब देखो आप कब फॉर्मूला लगाओगे फिर सोल्व करोगे, इससे बेटर क्या है कि दो नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, तो मतलब 4 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है 2 टर्म्स तक, तो 4 × 3, समझो मेरी बात का मतलब, समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। 4C2 है तो 2 लिखा हुआ ना, मतलब 4 को 2 टर्म्स तक खोल दो, एक खोला दूसरा खोला, बस 2 को लास्ट तक ले जाओ जहाँ पे भी जा रहा है, तो ये टर्म हमारे पास आएगी, ये सिंपल तरीका। लेकिन देखो ये, जब ये तरीका हम तब यूज़ करते हैं जब एक्चुअली हमारे पास कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं तब। जैसे मैंने कहा 4C3 है, तो या तो 4C3 को तुम 4C1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 और 1 4, ठीक है। तो 4C3 को कैसे लिखता, अगर लिखता तो 4 को 3 टर्म्स तक खोलना है, मतलब 4 × 3 × 2, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। फिर 3 को खोलेंगे तो 3 × 2 × 1, तो 3 2 3 2 कट गया, 4 आ गया, तो वही तो 4 लिखा था। या तुम 4C1 कैसे लिखोगे, 4 को सिर्फ हमें 1 टर्म तक लिखना है, और नीचे हमारे पास 1 है तो 1 ही लिखना है, बस खत्म हो गया, तब भी वही आने वाला है। सो 4C1 ये हो गया। देखो ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है, बट आप यूज इसी को करो, तो हमारे पास कितना हो गया, 2880 वेज हो गए हमारे पास इस वर्ड को बनने के लिए, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 19 की, देखते हैं क्या बोलते हैं एग्जांपल नंबर 19, सॉरी 21, एग्जांपल नंबर 21 बोल रहे हैं, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल। हमारे पास कितने टीम है, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 तो हमारे पास गर्ल्स हैं एंड 7 हमारे पास बॉयज हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि कोई भी लड़की होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें टीम कितने की बनानी है, 5 बंदों की टीम बनानी है, ठीक है। वी हैव टू सिलेक्ट 5 मेंबर्स, लेकिन वो 5 मेंबर कौन से हो सकते हैं इस केस के अंदर, जब हमारे पास कोई लड़की है ही नहीं, भाई लड़की को सिलेक्ट करनी नहीं है, तो 5 बंदे चाहिए चाहिए, तो 5 बंदे कहाँ सेलेक्ट करेंगे हम, 7 बॉयज में से। तो वी हैव टू सिलेक्ट 5 मेंबर्स फ्रॉम 7 बॉयज, इट मीन्स 7C5। तो अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसको सुनो मेरी बात, सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। 7C5 को क्या मैं लिख दूँ कि 7C2 के बराबर होगा, क्योंकि 5 और 2 7, बिल्कुल सही बात है, इक्वल होगा। 7C2 क्या कहा मैंने कि 2 टर्म्स तक खोलना है, 7 × 6 और नीचे 2 × 1, लास्ट जो नीचे है उसको तो पूरा खोल दो, और 7 को 2 टर्म्स तो खोल दो, तो 2 1 2 3 7 3 21, इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास, 21 तरीके हो गए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यस और नो? सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बोल रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, बोल रहा है एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब कम से कम एक लड़का तो होना ही होना चाहिए, एंड 1 गर्ल, और देखो हमारे पास एक लड़का तो होना ही होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात,
मैंने कहा कि इसका मतलब क्या, कम से कम एक तो एक भी तो हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज़ मैंने कहा कि वन बॉय हो गया, अगर एक लड़का सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो हमें तो पांच बंदों की टीम चाहिए ना, हमें तो पांच बंदों की टीम चाहिए। तो अगर एक बॉय सेलेक्ट कर लिया तो हमें चार गर्ल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? चार गर्ल्स सेलेक्ट कर लेंगे तो होगी पाँच बंदों की टीम। अगर मैंने दो लड़के सेलेक्ट कर लिए तो बोला ना एटलीस्ट वन, तो एक से ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने दो बॉयज सेलेक्ट किए तो मुझे तीन गर्ल्स को सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। बस ये बोला कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो होनी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने थ्री बॉयज सेलेक्ट कर लिए तो कितनी लड़कियाँ होनी होनी चाहिए? दो गर्ल्स होनी होनी चाहिए। अगर मैंने चार बॉयज सेलेक्ट कर लिए, फोर बॉयज सेलेक्ट कर लिए, तो एक तो होना ही होना पड़ेगा लड़की को। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ कि पांच बॉय और ज़ीरो गर्ल? क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि हमने बोला गया है कि एक लड़का और एक लड़की होनी ही होनी चाहिए, बट इस केस के अंदर कोई भी लड़की है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो एक लड़का सिलेक्ट करना है कितने में से? सात लड़कों में से, तो 7C1 हमें तो एंड चाहिए ना, क्योंकि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए मतलब एंड, तो बीच में करना होगा मल्टीप्लाई। चार लड़कियाँ चाहिए कितने में से? फोर गर्ल्स चाहिए फोर में से, इसको सेलेक्ट करेंगे सोल्व करेंगे हम। दो लड़के चाहिए सेवन बॉयज में से, तो 7C2 और तीन गर्ल्स चाहिए फोर में से, तो 4C3। तीन बॉयज चाहिए तो 7C3, दो गर्ल्स चाहिए तो 4C2। चार बॉयज चाहिए सेवन में से तो 7C4 और एक गर्ल चाहिए तो हमारे पास 4C1। यस और नो? अब सुनो सोल्व कैसे करेंगे। सेवन में से एक सिलेक्ट करना है तो एक किन तरीके हो गए? सेवन तरीके हो गए, तो इसको बताया था ना, सपोज सेवन चीज़ें मेरे पास, सेवन फिंगर दिख रही हैं, सेवन फिंगर्स, हमें इसमें से एक सिलेक्ट करनी है। हो सकता है मैं इसको सिलेक्ट करूँ या इसको या इसको या इसको या इसको या इसको या इसको, तो सात में से सात एक सिलेक्ट करना है, तो सात तरीके हो गए। ठीक है, तो सेवन हो गया। वैसे भी मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक बताई है कि सात को हमें एक बार लिखना है मल्टीप्लाई बाई 4C4 है, तो 4C4 मतलब चार में से चारों चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके हो गए हमारे पास? सात, समझ पा रहे हो ना, चार में से, तो चाहो तो आप फोर को 4-3-2-1 फिर 4-3-2-1 एक ही तो हुआ भाई। चार चीज़ें हैं मेरे पास, मुझे चारों चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो एक बार में सिलेक्ट कर दी नहीं कर दी, वन हो गया, तो कितना हो गया मेरे पास? सात तरीके हो गए। 7C2 मतलब 7 × 6 और 2 × 1, 4C3 मतलब 4C3 = 4C1, तो 4C1 का मतलब क्या हो गया हमारे पास? 4C1 का मतलब 4 हो गया भाई। देखो अब मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीख चुके हो। 4C1 का मतलब क्या हो गया? 4 को एक बार मल्टीप्लाई करना है और नीचे तो 1 का 1 ही है। या तो चाहो आप इसमें, अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, ठीक है। सो इंटू 4 तो 2×7=84 आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 7C3 × 4C2, कैन यू सॉल्व इट? 7 × 6×5 और 3 × 3 × 2×1, सात को तीन टर्म्स तक सोल्व करो, 7, 6, 5 और 3 को पूरा खोल दो, ऐसे होता है। 4C2 मतलब 4 को दो बार और 2 को पूरा, तो इसको सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस वाली टर्म को। 3×2 = 6 तो 6 कट गया, 2×1=2, 7×5=35, 35×2=70, 70×3=210, तो 210 हो गया। ठीक है, 7×5=35, 35×2=70, 73×2=210। इसको करते हैं 7C4। अब 7C4 कहूँ या 7C3 कहूँ, दोनों बातें तो बराबर हैं, तो मैं 7C3 लिखूँगा क्योंकि जब थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो 7×6×5 और नीचे हो गया 3×2×1। 4C1 अब वही चीज़ होगी, चार में से मुझे एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, तो चार तरीके हो गए। तो क्वेश्चन 3×2=6 कटा, 7×5=35, 35×4=35, 4 हो गया हमारे पास 140। ठीक है, सो टोटल पॉसिबल वेज टू सिलेक्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल इज वॉट? आप इनको ऐड कर दीजिए, 7+84, क्योंकि ये भी सारे ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा हमारे पास? 441 तरीके हो जाएंगे हमारे पास।
तो क्वेश्चन का लेवल समझो, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास, चीज़ों को समझने वाले क्वेश्चन समझोगे तो ही हो पाएंगे। थर्ड पार्ट बोल रहा है, थर्ड पार्ट है भी हाँ, एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोल रहे, कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी ही होनी चाहिए, कम से कम 3 गर्ल्स। तो अब गर्ल्स टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 4 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स। अब मे भी हो सकता है कि 3 गर्ल्स हो और 2 बॉयज हो, भाई टोटल तो हमें 5 मेंबर बनाने हैं ना, तो 3 लड़कियां होंगी तो 2 लड़के होंगे। अब कम से कम 3 बोला है तो कम से कम 3, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास ये भी तो केस हो सकता है कि 4 लड़कियां हों और 1 लड़का हो, 1 बॉय, क्या ऐसा पॉसिबल है, 5 लड़कियां। अरे 5 लड़कियां क्या कहाँ से लाओगे जब 4 ही गर्ल्स टोटल, तो समझ पा रहे हो। तो हमारे पास ये 2 केस बनेंगे, तो 3 गर्ल्स कितने में से, 4 में से, तो 4C3 मल्टीप्लाई बाई 2 बॉयज कितने में से, 7 में से, तो 7C2। 4 लड़कियां चाहिए 4 में से, तो 4C4। 1 लड़का चाहिए 7 में से, तो 7C1। 4C3 की वैल्यू कितनी होगी, 4C3 इज नथिंग एल्स, 4C3 इज इक्वल टू 4C1, एंड 4C1 मतलब 4 चीज़ों में से एक तरीक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो 1, 2, 3, 4। 7C2, 7C2 का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 6, और 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 टर्म तक खोलना है, 1 और 2, बस नीचे वाले को पूरा खोल दो, तो 2 एकम 2 दूनी 2 7 14 6 84। 4C4, 4 में से 4 ही सिलेक्ट करनी है, येलो कर ली, एक तरीका हो गया। 7C1, 7 में से 1 चीज़ सिलेक्ट करनी है, अब एक सिलेक्ट करनी है, ये, तो 7 तरीके हो गए, तो कितने हो गए मेरे पास, 7। तो इट मीन्स वॉट, टोटल पॉसिबल वेज 84 + 7 इज इक्वल टू नथिंग एल्स, इट इज 91 वेज। समझ आया क्वेश्चन, यस और नो, देखो ये तो रफ वर्क है, ठीक है। सो क्वेश्चन अच्छा था, समझने वाला क्वेश्चन था। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बच्चों को बहुत डाउट में भी आता है, तो ढंग से समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इस एग्जांपल्स को भी ढंग से समझो प्लीज़, इस चैप्टर के मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स हमारे पास अच्छे एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज से काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर। एग्जांपल नंबर 22, इसको प्लीज़ स्टार मार्क बना लो, अच्छा एग्जांपल है समझने के तौर पे। क्या बोला गया है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। बोल रहे आपके पास अगेन एक वर्ड है, और इससे बोला गया इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड, व्हाट विल बी द 50th वर्ड, बोला 50वें नंबर पे कौन सा आएगा। होप्स आपको इतना, बस इतना मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि डिक्शनरी कैसे देखी जाती है, प्लीज़ फोकस, हाँ बस डिक्शनरी कैसे देखी जाती है, बस मैं चाहता हूँ कि आपको इतना पता हो। ये तो पता है ना कि पहले अल्फ़ाबेट हमारे पास ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, अल्फ़ाबेट में जब भी डिक्शनरी खोलते होंगे तो कैसे दिखेगा वर्ड आपको कि ए ए जी आई एन, पहला वर्ड हमारे पास ये तो मिलेगा अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, फिर कुछ बाद में धीरे धीरे करके चेंजेस होते रहेंगे, फिर ए वाले वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास जी वाले आने लगेंगे बाद में, फिर जी ए ए आई एन, फिर जी वाले ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास, फिर आई वाले आने लग जाएंगे आई ए ए जी एन, फिर ये वाले ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में एन वाले आएंगे, तो एन के बाद फिर ए ए आई जी, सॉरी जी और आई नागी। तो इस तरीके से हमारे पास डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते चले जाएंगे। कितने वर्ड्स बनेंगे पहले मैं वो देख लेता हूँ। सो टोटल वर्ड क्या लिखेंगे, टोटल वर्ड्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, सो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं हम वर्ड्स को, भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर दे रहा हूँ अभी, तो मैं 5 वर्ड हैं तो 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितने वर्ड्स पॉसिबल है हमारे पास, भी 5 वर्ड है ना, तो 5 तरीकों से अरेंज किया, और ए हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टर डिवाइड कर दिया, याद करो एक्सरसाइज 7.3, 5 वर्ड से अरेंज किया और 2 हमारे पास वो हो गया क्योंकि ए रिपीट हो रहा है, सो ए 2 टाइम्स। और अच्छे समझाऊं तो हमारे पास 5 बॉक्स हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो
इसमें कितने वर्ड आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, इसमें 4 आ सकते हैं, 3, 2, 1, याद आ रही चीज़ें पुराने वाली, ठीक है। तो टोटल हमारे पास हो गया ये, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 5 चौक 20, तो कितना हो गया हमारे पास, 5 4 20 एंड 23 60। इसका मतलब ये हुआ कि इस अगेन वर्ड को मैं 60 तरीकों से लिख सकता हूँ, 60 तरीकों से लिख सकता हूँ, लेकिन 60 में से मुझे 50th वर्ड चाहिए कि 50th नंबर पे कौन सा आएगा। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ उन वर्ड्स की जो स्टार्टिंग हो रहे हैं ए से, लाइक वर्ड बिगेन, क्योंकि पहले तो हमारे पास ए से स्टार्ट होगा ना, कोई भी अल्फा डिक्शनरी में लिखोगे तो पहले ए से स्टार्ट होगा, यूँ तो है नहीं पहले एन से स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्ड बिगिन विद ए, ठीक है, तो वर्ड बिगिन विद अगर ए होगा तो इधर देखो जरा, 1 2 3 4 5, अगर सपोज यहाँ पे ए से स्टार्ट हो गया तो हमारे पास कितने वर्ड्स बचे, GAGAIN, यस और नो, तो हमारे पास बचे 4 वर्ड्स। तो यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे जी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, आई बी और एन बी, तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ पे 4 तरीके आ सकते हैं। यहाँ पे एक फिक्स कर देंगे तो एक्चुअली देखो हमारे पास वर्ड बचे GAIN, ये तो फिक्स हो गया ना, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो इन 4 वर्ड्स में से कुछ भी वर्ड आ सकता है, क्या इनमें से कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, नहीं, इनमें से कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, जी भी एक बार है, ए भी एक बार है, आई भी एक बार है, एन भी एक बार है, 4 बॉक्स हैं, 4 हुए तो 4P4 अगर उसमें तक करना चाहो, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना चाहो तो 4, अगर इसमें जी फिक्स कर दिया तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। सो वर्ड बिगन विद 8 मीन्स वॉट, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मीन्स नथिंग एल्स, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 24, मतलब 24 वर्ड्स तो हमारे पास इससे बन जाएंगे जो ए से स्टार्ट होंगे सिर्फ। अब ए से ये वाला ए हो या ये वाला ए हो, दोनों से फिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद कौन सा वर्ड आने वाला है मेरे पास अगली बार, जी से स्टार्ट होंगे। अब ए वाले वर्ड्स खत्म हो गए सपोज सारे के सारे, तो जी से स्टार्ट होने लगेंगे अगले वर्ड्स। तो अब हम बात करते हैं जी से, तो वर्ड बिगिन विद जी, तो देख लेते हैं जी से कौन स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन टड़ा देते हैं। तो वर्ड बिगिन विद जी, तो एक बात सुनिएगा मेरी, ये हमारे पास 1 2 3 और 2 5, तो अगर सपोज करो मैंने जी से स्टार्ट किया तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड बचे, हमारे पास वर्ड बचे ए बचा, आई बचा और एन बचा, AAIN, क्योंकि जी तो फिक्स हो चुका ना। अब सुनो 4 वर्ड्स हैं तो इनमें से कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, लेकिन ए 2 बार रिपीट हो रहा है। सो वर्ड बिगिन विद ए इट मीन्स वॉट, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 वर्ड्स हैं, 4 बॉक्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइड किया, जैसे इसमें हमने किया था, ये तो करते हैं 7.3 करके आए हो आप लोग। तो यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे मेरे पास ए भी आ सकता है, ए बी और आई बी और एन बी, तो 4 तरीके हो गए। यहाँ पे मेरे पास फिर ए को फिक्स कर दिया तो 3 तरीके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, बट 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्योंकि हमारे पास ए रिपीट हो रहा है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4 × 3 × 2 × 1 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 से 2 गया मतलब 12, तो मतलब जी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 12 वर्ड्स बनने वाले हैं जो जी से स्टार्ट होंगे। अब जी से ख़त्म हो गए तो अगला वर्ड कौन सा आएगा, आई आएगा, क्योंकि ए बी सी डी एफ जी एच आई, तो वर्ड अब हमारे पास किससे स्टार्ट होने वाले हैं, वर्ड बिगिन विद आई, ठीक है। अब वर्ड बिगिन विद आई देखते हैं, 1 2 3 और 4 5, सपोज करो आई है, अगर मैंने आई को फिक्स कर दिया तो कौन बचे, हमारे पास बचा ए बचा, जी बचा, ए बचा और एन बचा, इनमें से कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन अभी भी मेरे पास ए 2 बार रिपीट हो रहा है, अभी भी तो ए 2 बार रिपीट हो रहा है। सो इट मीन्स वॉट कि 4 बॉक्स हैं तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, अरे 4 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल ही तो है, तो 12 हो गए, कितने वर्ड्स हो चुके, 24, 12, 36 और 48, मतलब 48 वर्ड तो हो गए। अब इससे अगला जो वर्ड आने वाला है वर्ड, तो किससे स्टार्ट होगा हमारे पास अगला वर्ड, हमारे पास अगला जो वर्ड होगा स्टार्ट होगा एन से, किससे स्टार्ट होगा हमारे पास एन से, ठीक है। अब एक बात सोचो कि एन से जो स्टार्ट होगा वो 49th वर्ड कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, 1 2 3 4 5, तो पहला वर्ड तो हमारे पास क्या होने वाला है, ए होने वाला है, फिर अल्फ़ाबेट्स पहले आएंगे ना, ए पहला अल्फ़ाबेट आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी और फिर इस तरीके से, फिर ए आएगा, ए के बाद हमारे पास ए आएगा। अच्छा अब जी और आई में से कौन सा पहले आता है, जी पहले आता है ना, ए बी सी डी एफ, जी और फिर एच आई, तो जी पहले आ जाएगा और ये आई आ जाएगा,
तो ये हमारे पास कौन सा वर्ड हो गया, 49th वर्ड हो गया, नहीं हो गया। अब मुझे बताओ 59th, देखो 59th वर्ड जब भी मैं डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज करता हूँ तो वर्ड्स पीछे से अरेंज होना शुरू होंगे। अब तो एन ए ए तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास, तो अब जी के बाद हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, आई, आई इधर और जी इधर, तो ये वर्ड बनेगा हमारे पास 50th वर्ड, क्योंकि डिक्शनरी में देखोगे तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। क्लियर और नॉट? सो दिस इज द एग्जैक्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आता है तो। ऐसे बॉक्स बना के लिख दो ताकि एग्जामिनर को क्लियर कट हो जाए, बट जरूरत नहीं है बॉक्सेस की, बट आप स्टेटमेंट लिखो, ये नंबर्स लिखो 24 12 36 और 48, ये 49 और ये 50वां, तो 50वां वर्ड हमारे पास क्या हो गया, नाइग। क्लियर और नॉट? दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 22। यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, यहाँ पे 49th में हमारे पास ये आने वाला है, उसके बाद हम पीछे से अरेंज करेंगे, तो आई पहले जी बाद में। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23rd, एग्जाम्पल नंबर 23rd बोल रहे क्या, बोल रहे हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख और 10 लाख, 10 लाख बोल रहे हमारे पास 10 लाख नंबर है, इकाई दाई सैकड़ा, हजार दस हजार लाख दस लाख, आप कर दो ना वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख, इस तरीके से बाई यूजिंग द, और हिंदी में क्या करते हैं, इकाई दाई सैकड़ा, हजार दस हजार लाख दस लाख, करोड़ दस करोड़, अरब दस अरब, है ना, खरब दस खरब, करते रहो करते रहो करते रहो। सो एग्जाम्पल नंबर 23rd सेज कि आपके पास हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लैख कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स, आपके पास जो डिजिट्स हैं वो ये हैं 1 2 0 2 4 2 4, इन डिजिट से कैसे मैं इससे बड़ा नंबर बनाऊँ, एक बात सोचो, सोचने वाली बात है। कितने डिजिट हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास इससे बड़ा नंबर चाहिए ना, तो जीरो से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता, जीरो से स्टार्ट तो हमारे पास वर्ड हो ही नहीं सकता। अब या तो हमारे पास जो वर्ड होगा, सो नंबर ग्रेटर देन 10 लाख विल बी डेफिनेटली स्टार्टिंग, जो हमें गारंटी हो गया ना, तो स्टार्टिंग विद या स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट हो सकता है, 2 से स्टार्ट हो सकता है, 4 से, 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। सोचो अगर 0 से स्टार्ट हुआ वर्ड, 0 1 2 2 2 4 4, ये वर्ड बन गया, कुछ भी बना लो, इधर कुछ भी अरेंज कर लो जो आपका मन करे, बट ऑब्वियस सी बात इससे छोटा बनने वाला है, बस मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इस बात को मैंने इस तरीके से लिखा, नंबर ग्रेटर देन 10 लाख विल बी डेफिनेटली स्टार्ट विद 1 2 4, ठीक है। अब मैं पहले उन नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो नंबर्स बिगिन विद, सो नंबर बिगिन विद 1। अब मेरी बात सुनो, जैसे लिख दिया ना हमने, चलो मैं उनको ढंग से लिख देता हूँ 1, तो 1 से अगर नंबर स्टार्ट होता है तो हमने बनाया एक टेबल, देखो ये हमारे पास बेसिक है, बेसिक समझ गए तो रटोगे नहीं। अब सुनो, 1 2 3 4 5 और 2 7, अगर नंबर मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया तो अब इस 1 को फिक्स कर दो, कितने नंबर बचे हमारे पास, 6 नंबर बचे, नहीं बचे तो 6 नंबर्स बचे, यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं, यहाँ पे 6 में से कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे फिर 1 फिक्स कर दूंगा तो 5 बचेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इट मीन्स वॉट, 6 फैक्टोरियल, ये क्या है 6 फैक्टोरियल। लेकिन 2 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, 2 जो रिपीट होते हैं उनको डिवाइड भी तो करते हैं, इट मीन्स वॉट, 2 हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है और 4 हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, चाहो तो लिख दो इस बात को, नहीं चाहो तो मत लिखो। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2, तो 3 से 3 गया, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 6 × 5 = 30 × 60, तो हमारे पास 60 तो नंबर्स वो हो गए जो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, इससे बड़े होंगे और भी होंगे, चाहो तो यहाँ पे लिख दो साथ में कि 2 repeat 3 times एंड 4 repeat 2 times, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये तो हमारे पास पहली बात हो गई, मैंने बताया ना नंबर या तो 1 से स्टार्ट हो गया, 2 से या 4 से,
अब मैं बात उन नंबर्स की करूँगा जो नंबर स्टार्ट होंगे 2 से, तो नंबर बिगेन विद 2। अच्छा, क्या मैं कह दूँ कुछ वैसी ही बात पढ़ने वाली है, बट 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7। अब सुनो, 2 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है तो कितने नंबर बचे मेरे पास, अभी भी 6 बचे, तो इसमें तो 6 कुछ भी आ सकते हैं, इसमें फिर 5 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 3, 2, 1, तो 6 फैक्टोरियल तो आना ही आना है। लेकिन लेकिन मेन बात समझो, अगर 2 फैक्ट अगर मैंने एक 2 मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे कितने 2 बचे जो रिपीट हो रहे हैं, 2 ही तो 2 बचे, एक ये और एक ये, तो 2 हमारे पास 2 हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और 4 हमारे पास वो भी 2 बार हैं तो वो जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये वाला 2 तो जो छुपा रखा है इसको तो फिक्स कर दिया ना मैंने यहाँ पे, उसको थोड़ा काउंट करोगे बार बार, तो हमारे पास ये हो गया। तो 6 फैक्टोरियल मीन 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 2 से 2 गया, 2 वन जा 2, 2 जा 6, 6 जा 30, 2 जा 60, 3 जा 180, तो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 180 नंबर्स वो हो गए जो हमारे पास 2 से बिगन होंगे और उससे बड़े होंगे। अब किसकी बात करेंगे हम, 4 से। सो नंबर बिगिन विद 4, तो 4 से बिगन वाले भी देख लेते हैं। तो इसलिए देखो, मैंने आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी है अब तक, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करवाया है, ताकि आपको अब जाके दिक्कत ना आए। तो 4 से कौन कौन से बिगन होंगे, देखो 4 लिख दो यहाँ पे, तो 4 लिख दिया, सपोज करो मैंने लास्ट वाला 4 यहाँ लिख दिया, कितने नंबर बचे मेरे पास, 6, तो यहाँ पे 6 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। लेकिन आपके पास 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, अब 1, 2, 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 4 क्या रिपीट हो रहा है, अब 4 रिपीट नहीं होगा, क्योंकि जो 1, 2 था ना उसमें से 1, 4 तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, अब जो 4 है वो रिपीट होगा ही नहीं। तो 3 फैक्टोरियल, अब चाहो तुम 1 फैक्टोरियल लिखो चाहे मत लिखो, लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, तो ये बन गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 5 जो 30, 34 जो 120, तो हमारे पास 120। तो अब इस ये तीन ही तो पॉसिबल केस बनेंगे, या तो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, या 2 से, या 4 से, क्योंकि डिजिट तो हमारे पास यही वाली है। सो इट मीन्स वॉट, कि आपके पास टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो गए, सो टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स 60 + 180 + 120, 300 + 60, that is 360। यस और नो, सो प्लीज वीडियो को पॉज कर नोट डाउन करें। आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर इजियर इफ यू अंडरस्टैंड इट, अगर समझोगे नहीं तो फिर मुश्किल लगेगा, ठीक है। सो इसलिए मैं एग्जांपल्स कवर करा रहा हूँ, एंड आई थिंक सो कि आप एंजॉय कर रहे होंगे एग्जांपल्स को। सो एग्जाम्पल नंबर 24 की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 24, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, देखो आपके पास 5 तो लड़कियाँ हैं और 3 बॉयज हैं, 3 लड़के हैं। बोल रहा है, बी सीटेड इन ए रो एंड सो दैट नो बॉयज आर सिट टुगेदर। भाई सपोज करो 5 लड़कियाँ हैं, बोल रहे 2 लड़के साथ साथ नहीं बैठेंगे, 5 गर्ल्स हैं, सपोज करो 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैंने क्या कहा कि आपके पास जो बॉयज़ हैं ना वो साथ साथ नहीं बैठेंगे, देखो लिखा हुआ है दैट नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर, मतलब यू नहीं कि बॉयज़ आपने यहाँ बैठा दी साथ साथ, तो एक बॉयज़ हमने यहाँ बैठा दिया और मे भी हो सकता है कि दूसरा बॉयज हमने यहाँ बैठा दिया, मतलब हो सकता है यहाँ पे बैठे, हो सकता है कि यहाँ पे और यहाँ पे बैठे, हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे बैठे, तो मतलब ये पॉसिबल जो ग्रीन केसेस हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो ग्रीन से है वो हमारे पास बॉय है, और जो ब्लैक से है वो गर्ल है, ठीक है। तो अब बॉयज हमारे पास बैठने, देखो बॉयज़ के कितने तरीके हो गए, पहले तो 5 गर्ल्स बैठानी बैठानी है ना, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़,
सो दैट नो टू बॉयज आर स्टक टुगेदर. तो पांच गर्ल्स को अरेंज कैसे किया जा सकता है, सपोज ए बी सी डी ई, तो पांच गर्ल्स बैठी हुई हैं. अब पांच गर्ल्स हो सकते हैं बी इधर आ जाए ए इधर आ जाए, तो पांच तरीके, तो फाइव फैक्टोरियल वेज तो वो हो गए जहाँ पे हम गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं, गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद हमें तीन बॉयज सिलेक्ट करने हैं, सीटिंग बढ़ानी है. बॉयज के पास कितने ऑप्शन हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, इट मीन्स वॉट कि छह ऑप्शंस में से आपको तीन ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. पता नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे भाई, पांच लड़कियां हैं मेरे पास, पांच गर्ल्स को मुझे बैठाना है, तो पांच गर्ल्स को बैठाऊंगा किन तरीके से, कि हो सकता है यहाँ पे या फिर देखो सपोज करो इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई, हो सकता है यहाँ पे ए भी आ सकती है, बी बी सी बी डी बी ई भी, तो पांच तरीके हो गए. वही वाली बात है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली, एक दो तीन चार, ठीक है यहाँ पे ए भी आ सकती है, बी बी सी डी ई, तो पांच तरीके हो गए. फिर अगर ए को फिक्स कर दूंगा तो बी सी डी ई, तो फिर चार, अगर बी को फिक्स कर दिया तो सी डी ई, सी को फिक्स कर दिया तो डी और ई, डी को फिक्स कर दिया तो ए ही तो बचेगा. तो इट मीन्स व्हाट, पहले मैं गर्ल्स को अरेंज करूंगा, गर्ल्स जैसी अरेंज होंगी इनके बीच में मैं बॉयज़ को बैठाऊंगा, जैसी बॉयज़ को बैठाऊंगा तो तीन बॉयज़ हैं मेरे पास और छह ऑप्शन हैं. बॉयज़ यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी, 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 तो छह ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में सेलेक्ट करने हैं, तो 6P3 बन जाएगा. यस और नो, अरेंज करना है तो 6P3, हमें सिलेक्शन नहीं करना, हमें लास्ट में जाके. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्टली गर्ल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, गर्ल्स कैन सिट इन फाइव फैक्टोरियल वेज, फाइव फैक्टोरियल मतलब 120, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर देना, ठीक है, 5 × 20 = 30 + 60 × 120, हाँ ठीक है 120 हो गया. अब जब हम बॉयज को अरेंज करने की बारी आई, सो नाउ बॉयज कैन बी अरेंज्ड, बॉयज कैन बी अरेंज इन बिटवीन द गर्ल्स सो दैट नो बॉय कैन सिट टुगेदर, सो दैट नो बॉय कैन सिट टुगेदर, ताकि हमारे पास कोई भी लड़के साथ साथ ना बैठ सके. सो देयर फोर बॉयज हैव सिक्स ऑप्शंस, बॉय हैव थ्री, बॉयज हैव सिक्स ऑप्शंस लिख दो या फिर अरेंजमेंट लिख दो, तो हमारे पास कितना मतलब हो जाएगा 6P3. तो अब इसको सोल्व करना होगा. सो टोटल वेज आर, अब ये तो है नहीं कि हमें या तो ये चाहिए या फिर ये चाहिए, हमें तो दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए, लड़के या लड़के दोनों साथ साथ बैठे रहें, बट साथ लड़के साथ साथ ना बैठे, तो एंड लगेगा. एंड लगेगा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 को और 6P3 को, समझ पा रहे हो, क्योंकि हमें लड़के और लड़के साथ साथ बैठाने हैं. यूँ नहीं कि या तो पाँच लड़कियों को बैठा दो या फिर तीन लड़कों को बैठा दो, या नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड आएगा तो मल्टीप्लाई आएगा बीच में, बस क्वेश्चन खत्म. तो 120, अब देखो फॉर्मूला मत भूल जाना NPR का, NPR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल नहीं आता, R फैक्टोरियल आता है C वाले में, तो इनटू में 6P3, 6P3 मीन्स 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 तो N माइनस R है ना, तो 3 फैक्टोरियल, इट मीन्स वॉट कि 120 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल, इसको कट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमारे पास आ जाएगा 14400. आपके पास 14400 तरीके हैं कि आप बॉयज़ को लड़कियों के बीच में बैठाओ, साइड में बैठाओ, लेकिन साथ साथ मत बैठाओ, ठीक है. सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट मिसेलेनियस एग्जांपल्स. नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिसेलेनियस एक्सरसाइजेज मिक्स ऑफ दिस चैप्टर, और वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है, और कमेंट भी आप कमेंट कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा.